चला की किरदार पर संतोष मातो और ए आर क्यू में शासन चला किरदार पर ठाकुरा और मुर्मू और मेरे साथ कमेटी बॉक्स में जिक्र करने को मेरे साथ मिस्टर होपनाथ और उनके साथ साथ अगर देखा जाए अनुराग स्वय जो कि सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते जो कि उस क्षेत्र के सर्टिफाई रेफरी महतो जी भी सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते और उनके साथ साथ और ठाकुरा मुर्मू की अगर बात की जाए तो वो ओडिशा से बिलोंग करते लेकिन बातों बातों में इसी मैच का किकऑफ का सिग्नल दे चुके हैं सेंटर रेफरी अनुराग स्वय और ये मैच बड़ा मैच तो टीम के जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे और इसी मैच इस दरमियान जैसे मुझसे बेंचिंग जो की साथी प्लेयर जो सुनील नायक के पास गए सुनील नायक नाथ को इशारा करता चतुरा किसको के लिए ओ चतुरा की सुंदर क्रॉस मौका बनता बिग पास गुंडा के पास गया था गुंडा की जबरदस्त सहारा लेकिन यहां पर हेडेड प्लेयर सचिन बांद्रा के द्वारा और यही चीज कहते हैं कि ओपनली क्यों उनको मारने दे रही है ये चीज यहां पर संकेत देते हुए टीम सिमुन सर के खिलाड़ी इस दरमियान हल्का प्लेस में गेंद जाता हुआ ठीक है चजन का स्पॉट रिसीव करते जैसे बच्चार आखिर यहां पर प्लेयर का इशारा दिया लेकिन यहां पर फ्लिकिंग होता हुआ जबरदस्त एक फाउल करने में सफल होता हुआ काफी कमाल का फाउल लेते हुए यहां पर टीमें कुछ क्षण में यहां पर अटैकिंग मोड में आ चुकी है पूरी से टीमें कुछ भी हो कैसे हमें जीतना है सोच को लेकर के मंच के राइट छोर पर जो दर्शक खड़े हुए कृपया के बैठ जाएंगे मंच के आगे और इस दरमियान मौका बना काफी बड़ा खतरा टीम के लिए बना हुआ इस दरमियान टीम सिमुम से जो डिफेंडिंग चैंपियन पिछले साल का तो बना हुआ यहाँ पर वाल बनाया हुआ ख्याल को लेकर के जैसे मतलब चतुरा सुंदर शॉट रहा लेकिन ब्लॉक हुई फेंट करने के प्रयास शिशिर रघुनाथ के पास रघुनाथ छोटे से पास के साथ जैसे मेरे एलेवन शिशिर के शिशिर यहाँ पर विकास वाल वो जो जिनका हम कहेंगे क्योंकि काफी कम समय में ये उन्हें टीएफए के लिए सिलेक्शन होता है टीएफए के रहने के बाद जेएफसी में थे और अभी फिलहाल जिनमें देखा जाए कि और बुकरों के चलते वो घर में है लेकिन समय बातों बातों में जैसे बारह छुटलाल किस महत्व जो कि एक सीकेपी के प्रोडक्ट है एक स्थापित खिलाड़ी सिरसा के एक प्रोडक्ट दरमियान बैजनाथ गोप की रफ्तार अच्छी प्लेसमेंट हुई है यहाँ पर शिशिर होकर ढूंढता हुआ शिशिर तो सागे निकल चुका अच्छी चकमा देते हुए यहाँ पर मौका बना शिशिर के पास एक चाचित खिलाड़ी अभी भी मौका बनता हुआ लेकिन थोड़ा सा फिसा था ये मौका बन जाएगा लेकिन अपराधी के साथ यहाँ पर मौका बना सुनील के लिए सुनील यहाँ पर साथी प्लेयर जैसे बनाई ने जो कि बबूराम चुनू ढूंढता हुआ मौका बना हुआ यहाँ पर लेते हुए गलती किए थे यहाँ पर की बारह मोटू महतो जो कि अपना टीम के लिए डाइव लगा रहे थोड़ा सा गेंद डिफेक्ट होने के बाद गेंद का समय सीधा नेट में और यहां पर सुनील नायक के द्वारा कोई गलती ना करते अक्सर देखा गया सुनील नायक फिनिशिंग का फील लाजवाब कर रहे हैं चुपचाप से खड़े रहते हैं उनको कोई मार्ग नहीं करता लगता कि ये बच्चा क्या करे लेकिन ये बच्चा ने आज सेमोफ से टीम को यहां पर स्कोर में कंप्लीट कर दिया है टीम को यहां पर जिस प्रकार से टीम के अंदर बात करें हम फर्स्ट मैच में यानी फर्स्ट राउंड का मैच में टीम सिमुम शेर टीम पुणे सिटी एफसी के बीच में मैच जिनमें दो दो ड्रॉ करने में सफल हुआ था टीम सिमुम शेर इतना भी कम आंकना ये लिए गलत माना जाएगा ये टीम के लिए यहाँ थोड़ा सा खेलना चाहेगा टीम अच्छी प्लेस में दिया पर जैसे बात पहुंची टू दिया गया हेडमेटिंग देता हुआ मौका बना हुआ अच्छी मौका बना अच्छे बैट्समैन के साथ लेकिन सचिन ने बांद्रा ने यहाँ पर गेंद को ब्लॉक करते हुए जैसे इलेवन जिस प्रकार से थर्ड राउंड का मैच इनके लिए चैलेंज बन गया और ये मैच भी चैलेंज बन गया है इस दरमियान उन्हें गलत पास मौका बना हुआ है अच्छी कंट्रोल के साथ जैसे नायन बाबूराम चुडू के पास गया लेकिन उससे पहले यहां पर महेश गेंद को अपने नियंत्रण में रखता हुआ सुंदर कंट्रोल सकते हैं जैसे बाईस से विकास बल ऊंचू विकास बल यहाँ पर महेश के लिए और महेश गेंद को बीच में ले जाते हैं ठीक सेंटर लेकिन गोलकीपर बाबलू मुर्मू
बड़ा सुंदर गोलकीपर, जो गोलकीपर की जो टेक्निक होती है उस टेक्निक को यहाँ पर उपयोग करता हुआ टीवी आजाद शालीगुरु निमितेंगे बुलेत रात सिंह दिन मुचे नुनु और कौन टीम है चाहिए हुआ सेमीफाइनल क्वालिफाई है फर्स्ट क्वालिफायर वन है किसी दिन है दाइवा कौन टीम दाइवा निमित्त इसमें मणि कंट्रोल दस नंबर चतुरा मुर्मू लगी चतुर किशोर की चतुरा किशोर जब दस प्रहार वाट नंबर लगी छोटा लगी छोटा निमित्त वन ऑफ सुन लगी तो प्रेसिंग ट्राई कर जान फायदा क्या होगा ना फोर्स वन महेश तारे महेश सरम से कृष्णा लगी छोटे बोल अर्पण का प्रयास दस नंबर सिक्स महेश सुंदर कंट्रोल साथी प्लेयर जिसमें 22 देखी विकास बाल वो चुटिया फिर प्रोडक्ट है ताकू बोल कर जिसको थे फोर्ट रे भी महेश सुंदर कंट्रोल कृष्णा पाए कृष्णा गोप कौन करीबे कौन नीचे उत्तर बोल कोशिश पुत्र सत्य प्रिया तुझे बच्चे स्टार सुंदर कंट्रोल जस्ट मस्त 17 बादना कोई बादना और नीचे उत्तर सुंदर के सुंदर ब्लॉकिंग जस्ट मस्त सात दो दिन प्रिया तक बोल कर ऊपर आते बोल इसमें सब को चले जाए फिर राजीव हंसता पकड़ो राजीव हंसता पुत्र जस्ट मनाए देखी पावरान चुदो पकड़ बोल पावरान पुत्र बोल कर ठीक कॉर्नर एरिया आते जाओ चुनते कुछ समय को ची सोईवा पूरे आसरे खपत को पूरे आसरे दुचे में बोल के एवे भी जो उत्तर से ठीक कोना रिया को पकड़ कोनर ठीक ने वहां पे एवे भी गोल लाइन को पकड़ सुंदर कंट्रोल वोल्टेज से सर सर को ताल जाई थी गोल बाहर का गोल ठीक के इंडिकेट दे चलते सह संचालक को प्रेसिंग देखने को मिली थी ठाकुरा तो मोर मोतर ऊपर सुंदर ट्रैकिंग सेंटर रेफरी से ब्रेकिंग सेट को गोल की को इंडिकेट दे चलती सुंदर प्रेस में बहुत खेला सच्चे ने बनरा पुट फुल शॉट रही थी कृष्णा पे बोल क्लिच कोई बच्चा स्टार बोल टी सिरा थोड़ा चली जाई थी तो सिर्फ बाहर को थ्रोन कर दिया समय का देखिए आजाद स्टार क्लब सालिम वर्तमान सुंदर थ्रोइंग जैसे एक छोटा पाई छोटा पुल बोल को होल्ड करी सके ले को खुद बच्चे स्टार सुंदर कंट्रोल पॉइंट करे चतुरा मोर किसको को खोज बच्चे स्टार फिर जैसे सिक्स लंबा किक सोई तो जैसे वो पाई से विकास बालमोचु बोल को छोटे विकास बालमोचु जीपीएल क्षेत्र प्रथम सीरीज भी सेकेंड रिसीवर सुंदर रिसीविंग करते हैं अपने छोटा लाल भाई और इस समय हम जो मैच देख रहे हैं ब्राह्मी जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाने की एक सुंदर मौका बना हुआ अभी दस बटी गेंद दस बटी ने जो कि लाख की किसको के पास लाख की किसको गेंद को होल्ड करता हुआ क्या बिग पास करेगा बिग पास करता हुआ यहाँ पर गुमिता की गुमिता बिग पास अपना मुख्य रूप से घूमता हुआ सुंदर शॉट चतुर किसको के पास गेंद चतुर किसको स्किल से जाने जाते हैं अच्छी स्किल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ अच्छा कमाल का मुंबई थोड़ी के ऊपर आज अच्छी ब्लॉकिंग पहले ऑन कर सकता क्योंकि चेस्ट में लगी हुई थी गेंद सेंटर रेफरी द्वारा सुंदर डिसीजन यहां पर अभी भी छोटा महतो के पास छोटी के प्रयास गेंद को होल्ड करता तो खड़ी यहां पर दोनों 12 12 नंबर एक तरफ छोटा महतो दूसरी तरफ देखा जाए तो गोविंदा मादी और यहां पर कृष्णा के पास और कृष्णा ने बिग पास सचिन के लिए सचिन ने एक चकमा देने के बाद पूरा कृष्णा ढूंढने के प्रयास किए थे छोटा हट के खिलाड़ी गति के सब गए और उनको छोटा सा भी स्पेस नहीं दिए जो कि गेंद को वहां से रिलीज कर सकते अपने साथी के लिए गेंद जाता हुआ यहां पर कपिल से फर्स्ट हाफ कमी 1-0 से आगे अभी भी टीम है आजाद स्टार क्लब सालीपुर जो कि सुनील नायक की गोल के जरिए टीम ने एक दस आगे निकली और इस समय पुनः यहां पर पैर के साथ आगे बढ़ने के प्रयास किए थे सुनील नायक अच्छी कवरिंग के साथ गेंद को यहां पर आगे महेश ने यहां पर क्लियर किया अभी भी चतुर किसको पर नंबर गोदवा मांडी क्लियर यहां पर साथी प्लेयर छोटा के लिए छोटा यहां पर चार नंबर अजीत के लिए अजीत ने अच्छी टाने का तो मौका बना सोनेरी के पर जंदा शॉट था और अभी भी खतरा में रहता है लेकिन गोलकीपर को टच करना फाउल मारा जाता उसी अंदाज यहां पर दूसरी की देखते हुए सेंटर रेफरी और बातों बातों में इस मैच का मध्य करके सिग्नल दूसरा प्रत लेते लेते चुक गया टीम में आजाद बताना चाहूंगा इस गुप्त टेंट हाउस के सभी कर्मचारी जो कि इस काम को करने के लिए पूरी योगदान दिए हुए और उनके साथ साथ इस साउंड सिस्टम का फेस मैनेजमेंट किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा हेड आईआर स्कोर सिसिर प्रिया पर अपना टीम के
मौत की स्थिति में खड़ा कर दिया है। पूरे जीवन स्थिति के पास कोई कभी मात नहीं करे सर। यहाँ पर हाइट के अगर देखा जाए इसी प्रकार का हेड देखने को मिलता है, जो हमारे इंडिया टीम के कैप्टन सुनील छेत्री हाइट कम लेकिन हेड के जरिए वो स्कोर करते हैं। और ये कमाल धमाल का जिस समय इलेवन है शिशिर अगला उसके साथ मिस्टर फोपना जी को मैं स्वागत करूंगा इस मैच में। लाइव लिस्टिंग को मैं स्वागत रहेगा मिस्टर फोपना जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सहयोगी जो अंडर श्री टिकायत नायक जी को बहुत ही सुरीली आवाज से टूर्नामेंट में पूरी तरह चार चांद लगा चुके मधुर आवाज के लिए जाने जाते हैं। एक एक गोल के बराबरी पर मैच होता हुआ पहला हाफ में सालीपुर की टीम ने गोल मारते, लेकिन सेकंड हाफ में सिंह सिर ने गोल मारे। और चलिए इसी बीच यहाँ पर रेफरी का डिसीजन का आप लोग स्वीकारेंगे, ना सिर्फ रेफरी का डिसीजन बल्कि एक खेल का जो नियम है उस नियम का आपको पालन करना होगा। फिर से संकट मंडराता हुआ सिंहभूम से टीम के लिए, पिछले साल के चैंपियन टीम साल बार बार हर राउंड में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और स्विच एक अच्छी मौका पर फिर से गोल लगने के लिए तीसरे का शॉट लेंगे पर आजाद ईश्वर क्लब सालीपुर की टीम, ये देखना होगा। शॉट लगाने के लिए दो खिलाड़ी मौजूद है चतुर किस्को और छोटेलाल हांसदा, हालांकि लास्ट समय में डिसीजन लगा छोटेलाल हांसदा पर टिक लेंगे आठ नंबर विदेश में। और ना पता नहीं शॉट लेकिन पूरी तरह क्रॉस बार से बॉल ऊपर से पार होता हुआ एक अच्छा मौका पर बेकार होता हुआ आजाद स्टार क्लब सालीपुर टीम के लिए। आजाद स्टार आज पूरी तरह आजादी के साथ खेल रहे, प्रत्येक राउंड में उम्मीद के अनुरूप खेल के दर्शाता हुआ। वहीं अगर बात कीजिए सिंहभूम शहर बिल्कुल शहर के धारे माते मैदान में खेल को दर्शा रहे। शिशिर पूर्ति के लिए जहां तक गोल स्कोर के मामले कहा जाए तो सबसे ज्यादा गोल शिशिर पूर्ति के नाम है, टोटल अब तक हमारे टूर्नामेंट में चार गोल मारे हैं। अच्छी क्लियरेंस पर लखीराम के द्वारा शानदार हेडर सचिन की तरफ घूम दी, अपने कब्जे में बॉल को लेता टर्न लेने का प्रयास करता हुआ। और चलिए इस बीच यहाँ पर चलिए से भी यहाँ पर थ्रो इन का मौका सिम शेर के पक्ष में देखने वाली बात, यहाँ पर थ्रो इन लंबी जी यहाँ पर हेडबॉल हुआ है थ्रो इन के दौरान विपक्षी दल की खिलाड़ी ने हाथ लगाना था ठीक लेने का मौका पर सिमम से टीम की खिलाड़ी को किस तरह का शॉट लेंगे यहाँ पर कृष्णा, ये देखना होगा। लंबे दूरी से लिया गया शॉट और इस बीच यहाँ पर छोटलाल ने गलती कर बैठे, ज्यादा हेड का बॉल को पैर से किक लेना था और प्ले कट का समना भी करना पड़ा। देखने वाली बात है यहाँ पर इसके लाभ कहां तक उठा पाएंगे। चलिए से भी जमार बेजबरी ने पूरी तरह प्लेंटिक के पोस्ट के टॉप में यहाँ पर सिग्नल देता हुआ किक लगाने के लिए यहाँ पर बॉल को सजाना चाह रहे हैं सिमुन से टीम की खिलाड़ी। और फिलहाल खादर के बादल मंडराएंगे आदादेश्वर क्लब सालीपुर टीम के लिए। फिलहाल आप लोग ज्यादा समय ना लें जिसे बचे समय में आप दोनों टीम फिर से गोल दग पाए। वॉल में कितने खिलाड़ी रहेंगे ये देखना होगा। टेन ईयर से दूरी देता हुआ मरमे छपरी जो 9 पॉइंट Second ball,
इसके साथ पर छोटलाल महतो का बहुत ही कमाल का गोल। और छोटलाल की अगर बात की जाए तो इस साल बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इन फॉर्म प्लेयर है और उसमें टीम का सीनियर खिलाड़ी भी है। जीरो एंगल से गोल दागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन कहा जाता है, लेकिन छोटलाल महतो ने गोल दाग कर जीरो एंगल से ये साबित कर दिए कि इंसान की जिंदगी में कोई भी काम मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता है। अगर इंसान में जोश जुनून जज्बा हो तो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन में तब्दील कर सकते हैं। और इसी तरह गोलों की संख्या बढ़ता हुआ दो एक बड़स्या पर खेलता हुआ सिमम सर की खाड़ी। और देखना है क्या बच्चे समय में आजादेश्वर क्लब सालेपुर वापसी कर पाएंगे। फिलहाल बस सालेपुर टीम को किक लेने का मौका, या कुछ समय पहले जो सेट पीस का भरपूर लाभ उठाते हैं सिमम से, यहाँ पर सेट पीस का लाभ उठाना चाहेंगे आजादेश्वर क्लब सालेपुर टीम की खाड़ी। दो नंबर की खाड़ी बॉल को किक लगाएंगे राजा राम लगता युवा खाड़ी। आज बहुत ही कमाल का खेल को लेकर टूर्नामेंट में के लिए थोड़ा सा सेफ जगह को चयनित करना चाह हमारा जबरी। और वाल को भेजने में नाकाम, खतरा बन सकता है लेकिन गोलकीपर का अच्छी टाइमिंग अच्छे बताओ बबलू मुर्मू के द्वारा तार भरी शॉट लगने का वाल को भेजने में नाकाम रहा, खतरा जरूरी बना हुआ था यहाँ पर आजाद सालेपुर टीम के लिए। चेंजिंग का बिल होता हुआ बदलाव के बिल होता हुआ बदलाव के बल था सिमुन सर में सात नंबर की खेड़ को विश्राम दिया जाएगा उनके जगह पर उनके साथ खेड़ में। लेकिन धीरे धीरे छोटेलाल महतो अच्छी गति के साथ छोटे शिशिर के लिए बल के डाले मौका बन सकता है शिशिर पूर्ति के लिए, अभी भी शिशिर के लिए मौका। वाओ कमाल का गोल यहाँ पर नाटेकत की खाड़ी शायद वेदनाथ मौजूद है। वेदनाथ ने मन ही मन सोचे कि जब तावा गर्म है तो मैं रोटी सेक लूं, यानी दूसरी गोल दागने का मौका मिला तीसरी गोल दागने का मौका मिला तो मैं तीसरा गोल दाग दे दूं। अब बहुत ही शानदार गोल यहाँ पर 3-1 का स्कोर से पर सिंहभूम शेर बिल्कुल शेर के बाकी मैदान में खेल को खेला। जो खिलाड़ी गोल मारा हाथ उठाएंगे भाई, जो खिलाड़ी गोल मारे हाथ उठा देंगे, जो खिलाड़ी गोल मारे हाथ उठा देंगे। चलिए जी हाँ वेदनाथ ने बहुत ही शानदार गोल मारे। और आज सिंहभूम शेर के लिए जहां तक बात की जाए सबसे ज्यादा गोल दगन वाले टीम बन चुका है, लेकिन टूर्नामेंट में 3 गोल भी खाए। फिलहाल यहाँ पर 3 नंबर के खड़े ललितराम वही सिंहभूम शेर के लिए जहां तक बात की जाए प्रत्येक मैच में बार बार दबाव भरी छोर से उभर कर सामने आ रहे हैं। स्टार्ट टीम का जो एक रणनीति होता है उस रणनीति को बखूबी हमारे इस टूर्नामेंट के माध्यम से दर्शन में कामयाब हुई है। दर्शकों के जान के लिए बता दूं कुछ समय पहले कल से फाइनल तक आप लोग चेस्टल का भी आ रहे हैं और सालेपुर सिर्फ एक ही गोल दागे हैं और समय लगभग अंतिम पड़ाव पर कॉर्नर को में किक लेने का मौका मिलता है सिंहभूम शेर के खिलाड़ी को। अच्छी नापितली शॉट लेकिन धीरे धीरे खतरे को टालने का प्रयास करता है छोटलाल हंसदार। इसी के साथ समय समाप्ति घोषणा हमारे मैच रेफरी के द्वारा।